हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास किचन वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और एकदम यूनिक सी रेसिपी। आज से पहले आपने शायद ही देखी होगी ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खाने में जितनी ज़्यादा देखने में सुंदर लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। तो ये है वाइट कलर का लोबिया, एक ग्रेन होता है जिस तरह से राजमा होता है ना, उसी तरह से ये वाइट कलर का होता है, थोड़े से छोटे साइज़ में, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है इसकी ये सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको रोटी के साथ, राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इसको हमने किस तरह से बनाया है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 बोल, यहाँ पे लोबिया लिया था मैंने, और उनको ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं सोक कर सकते हो तो ये देखिए कुछ इस तरह का होता है साबुत, और भीग के इस तरह का हो जाता है, इतना फूल जाता है, डबल हो जाता है अपनी साइज़ में। तो इसको अगर आप ओवरनाइट रखो तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं रख पाए हो तो आप इसे गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हो। तो ये मेरे फूल के तैयार है लोबिया, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया एक कुकर में, और साथ ही उसमें ऐड कर दिया मैंने 1 छोटी चम्मच नमक, और यहाँ पे मैं डालूँगी 1 से 1.25 ग्लास पानी। सिर्फ लोबिया से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो आप फिंगर डाल के देख लिए, 1 इंच के आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम इसमें टर्मरिक पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको 2 से 3 सीटी आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। अब जब हम कुकर खोल के देख लेंगे, अगर आपको कच्चा लगे तो आप 1 सीटी और लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 ग्लास राइस लिया है, उसको मैंने बहुत अच्छे से 3 से 4 बार पानी में वॉश कर लिया और इसको भिगोने के लिए छोड़ दिया है 1/2 घंटे के लिए। और यहाँ इसमें हम थोड़े खड़े मसाले लेंगे, 2 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। तो ये हम इनको हमने हल्का क्रश करके ले लिया है। साथ ही लेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल। तो ये है जीरा राइस के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो राइस हमने भिगो के रख दिए थे 1/2 घंटे के लिए, अब हम राइस में तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑयल गर्म होते ही उसमें डाल लेंगे अपने क्रश साबुत मसाले और 1 छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही मसाले और जीरा भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें कितना ऐड करना है, लगभग 3 ग्लास। जितने हमने राइस लिए हैं उसका डबल हमें पानी लेना है। 1.5 ग्लास राइस थे तो 3 ग्लास हमने पानी ले लिया है। साथ में उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच नमक और उसको कवर करके रख दिया है बॉयल आने तक। अब यहाँ देख लेते हैं लोबिया के तड़के के लिए हमने क्या क्या लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, अदरक का टुकड़ा, प्याज, और ये है थोड़े खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता, और साथ ही जिंजर पाउडर और अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, 2 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और नमक, और थोड़ी सी करी लीव्स। तो ये ही बेसिक से मसाले हमने लिए हैं, इन्हीं में हम अपना लोबिया का तड़का लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे राइस वाले पानी में भी अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो 1/2 घंटा हमने भिगो के अपना राइस ले लिया, उनका पानी हमने निकाल दिया है, और ये भीगे हुए राइस हम बॉयल वाटर में मिला लेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे, जब तक कि हमारे राइस अच्छे से कुक नहीं हो जाते। अब यहाँ पे हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। हमने अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर को एक ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है, और यहाँ अनियन को हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में चॉप करेंगे, एकदम फाइन चॉप करना है हमें। आप चाहो तो इसको भी ब्लेंडिंग जार में डाल के प्यूरी बना सकते हो, लेकिन हम चॉप अनियन ले रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो इस तरह से बारीक बारीक हमने अपने प्याज को कट करके ले लिया है, सारे प्याज ये बारीक तैयार है हमारे, और ये टमाटर की प्यूरी भी तैयार है। अब यहाँ देख लेते हैं, लोबिया भी हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है।
तीन से चार सीटी लगाई थी हमने इसमें और ये बहुत अच्छे से गल के तैयार है। ये देखिए मैं एक बार आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल गया है। तो ये लोबिया गल गया है, अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए चावल को भी हम एक बार चला लेंगे। ये देखिए हाफ कुक हो गए हैं हमारे राइस, एक दो बार बीच बीच में लिड हटा के इस तरह से चला लेते हैं और लो फ्लेम पे कुक होने देते हैं। अब चलिए लोबिया में तड़का लगा लेते हैं। कढ़ाई में हम डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे साबुत खड़े मसाले, तेजपत्ता, काली मिर्च, इनको हल्का सा क्रश कर लिया है मैंने, साथ ही डाल लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा और मसाले जैसे ही भुन जाएंगे उसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड अनियन। अनियन अच्छे से हम चला लेंगे और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के इसको भूनेंगे तो जल्दी हमारा अनियन भुन जाता है। नमक डालने से अनियन जल्दी गुलाबी रंग पे आ जाता है। और ये जो हमने कड़ी लीव लिए थे ना ये भी इसमें डाल लिया है, कड़ी पत्ता भी, इसको भी अनियन के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा हल्का गुलाबी रंग का हो गया है भुन के। और इसमें अब हम ऐड करेंगे मसाले, 2 पिंच हींग ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर और अमचूर पाउडर। तो यही बेसिक से मसाले हमने डाले हैं। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। जब मसाले हम भून रहे होते हैं तो गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। अब ऐड कर दिया हमने इसमें टमाटो की प्यूरी, इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ऑयल इसमें से नहीं निकलने लगता। जैसे ये ऑयल रिलीज़ होने लगेगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया हमारे टमाटो की प्यूरी में से। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इस पानी में भी अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा उसके बाद हम इसमें अपना बॉयल किया हुआ सारा लोबिया ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी में हमारे बॉयल आ गया है, मसाले हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं सारे और अब इसमें बॉयल लोबिया हमने ऐड कर दिया है। सारा लोबिया ऐड कर लेंगे और इसको अब लो फ्लेम पे कम से कम हमें 5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि हमारे सारे मसालों के फ्लेवर हमारे लोबिया में अच्छे से रम जाए और लोबिया में मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इस तरह से हल्का सा मैश कर लेंगे प्रेस करते हुए स्पून से। और ये देखिए हमारा लोबिया में कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। इसी तरह से बॉयल आते हुए हमने अपना लोबिया पका लिया है। तो ये देखिए राइस भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले जीरा राइस बनके हमारे तैयार हो गए हैं। इनको अब हम लिड लगा के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लिड लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट रेस्ट देंगे राइस को, उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ लोबिया में हमने डाल लिया है धनिया पाउडर, धनिया पत्ती और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी लोबिया की टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार है। आप चाहो तो इसे बिना प्याज की भी बना सकते हो, प्याज स्किप कर सकते हो। ये देखिए जीरा राइस हमारे एकदम से परफेक्टली कुक होके तैयार है। एक एक दाना कैसे खिला खिला हमारा राइस का बना है। तो इसको डाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। हमने राइस डाल लिया है, एक एक दाना एकदम खिला खिला बना है हमारे चावल का। मेज़रमेंट एकदम करेक्ट हो तो राइस एकदम खिले खिले बहुत ही अच्छे टेस्टी सुपर सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। ये देखिए लोबिया भी हमने सर्विंग प्लेट में डाल लिया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है फ्रेंड्स। ग्रेवी आप जितनी गाढ़ी पतली रखना चाहो उतनी आप रख सकते हो। इसको हमने सर्व कर लिया है चपाती के साथ और थोड़ी सी खीरे टमाटर नींबू की सैलेड के साथ। तो ये रेडी हो गई है हमारी जीरा राइस लोबिया की प्लेट। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए खाने, जितने सुंदर ये देखने में लग रहे हैं खाने में भी उतने ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं फ्रेंड्स। एक बार तो बनाना बनता है, मेरे कहने पे आप एक बार लोबिया की सब्ज़ी बना के ज़रूर देखिए। ये हाई प्रोटीन होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है। बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सबको ज़रूर खानी चाहिए लोबिया की सब्ज़ी। तो लीजिए फ्रेंड्स, आइए आप भी खाइए लोबिया और जीरा राइस के साथ और चपाती के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।